तो ये प्रणाम फिल्म है जो कि एक बहुत छोटा सा अटैम्प्ट उस एरा को आ, क्या कहूं श्रद्धांजलि देने का या ट्रिब्यूट देने का जो सत्तर के दशक में और अस्सी के दशक में था जिसे क्लासिक एरा कहा जाता है क्लासिक एरा मतलब जहां पर कल्ट फिल्म में बना करती थी एक, एक विशेष किस्म की फिल्म बना करती थी आ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जहां पर जो प्रोटैगनिस्ट था या जो हीरो था वो हीरो हालात से निकला हुआ हालात उसे हीरो बनाते हैं वो हीरो पैदा हीरो नहीं होता तो वही एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग कहानी कहने का जो अंदाज़ है वो इस फिल्म में आप, आपको देखने को मिलेगा दो की कहानी है ये कहानी उन्नीस की नहीं है लेकिन जो स्टोरी टेलिंग का जो एक फॉर्मेट है एक स्टाइल है वो क्लासिक एरा की आपको याद दिलाएगा जहाँ पर ड्रामा था मेलोड्रामा था जहाँ पर एक्शन uh, था जहाँ पर रियल एक्शन था जहाँ पर मेलोडी थी गानों के अंदर जहाँ पर इमोशंस थे सो आई थिंक दैट होल थिंग ये जो फिल्म है या जो आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उनकी पेस थोड़ी सी धीमे कर देगा आपकी जो पेस जिस पेस से हम फिल्मों को देखते हैं ये पेस को थोड़ा धीरे कर देगा और शायद ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए

ये जो फिल्में थी ये कल्ट फिल्में थी जिन्होंने एक क्लासिक कह रहा था जहाँ पर हीरो हालात से पैदा होता है हीरो हीरो नहीं होता है और किसी न किसी मुद्दे को लेकर कहानी आगे बढ़ती है इस फिल्म में भी 2019 में अभी मैं तीन चार महीने पहले खबर पढ़ रहा था जहाँ पर एग्ज़ामिनेशन पेपर्स लीक हो गए थे तो वो पेपर लीक का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी भी उतना ही यू नो क्या बोलते हैं उसको आ, फैला हुआ है मतलब हर साल हम पढ़ते हैं सोचते हैं कि आप खत्म होगा आप खत्म होगा लेकिन हर साल ये पेपर लीक का कांड हो जाता है तो आई थिंक वही मुद्दा है जो इस फिल्म में एक सेंट्रल मुद्दा है और हीरो जो एक सपने लेके आगे बढ़ रहा होता है एक आई बनने के सपने उसके थे बचपन से अपने बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेता है लेकिन शायद किस्मत के कुछ और प्लान्स था कुछ और डिज़ाइन था उसके लिए और फिर किस तरह से सिस्टम में उलझकर वो किसी और दिशा में निकल जाता है तो ये इस तरह की कहानी आपको जब मैं बोल रहा हूँ शायद आपको लग लगेगा कि यार हाँ ये सुनी है मैंने कहानी देखी है मैंने कहानी पर ये आपने बहुत पहले देखी थी ये इस दशक में कैरेक्टर सारे रियल हैं क्योंकि जब हम परफॉर्म कर रहे थे जब हम शूट कर रहे थे तब मैं इस तरह के कैरेक्टर से रोज़ मिलता था वहाँ पर कि और मुझे लगता था कि यार ये तो होता नहीं है लेकिन हम बड़े बड़े शहरों में रहने के बाद आपका शायद टच छूट जाता है जो रियल इंडिया होता है जहाँ पर अभी भी लोग घर में घुसते सबसे पहले पैर छूते हैं पापा के सामने ज़्यादा ऊँची में बात नहीं करते हैं अभी भी बड़े भाई के साथ बड़े भाई तक से बहुत ऊँची में बात नहीं करते हैं जहाँ पर uh, मम्मी अभी भी किचन के अंदर रहती हैं और मम्मी का प्यार और लाड़ जो होता है ये सब चीज़ें जो हमें लगता था कि यार अब तो पुरानी हो चुकी हैं अब नया एज है क्योंकि हम लोग जिस वातावरण में जी रहे हैं वो बहुत न्यू एज लगता है बट दैट इज़ स्टिल द रियलिटी ऑफ रियल इंडिया तो ऐसा नहीं कहूँगा कि कैरेक्टर्स रियल नहीं है कैरेक्टर वहीं से उठे हुए हैं इनफैक्ट कुछ तो ऐसे किरदार ऐसी कहानियाँ मुझे मिलाई बताई गई अब मिलवाए गए मुझसे मुझे कुछ किरदार कुछ लोग जिनकी कहानी बिल्कुल अजय सिंह जैसी है जो हैं जीवित हैं और जिंदगी जी रहे हैं अपनी तो आ, फिल्मों से तो नहीं कहूँगा प्रभावित हैं लेकिन स्टाइल ऑफ़ फिल्म मेकिंग से ज़रूर प्रभावित है फिल्म क्लासिक इट्स अ ट्रिब्यूट स्मॉल टू पे ट्रिब्यूट टू द क्लासिक हिंदी सिनेमा

मैं फ़िल्म करता हूँ या प्रोजेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं चले जाता हूँ छुट्टी पे फिर मैं वापस आता हूँ कोई मुझे भेज देता है पढ़ता हूँ मैं कहता तो नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है फिर कोई मुझे और भेजता है बता इंटरेस्टिंग लग रही यार एक काम करते हैं मिल लेते हैं मिलते हैं बोलते हैं राजी ऐसे ये प्रणाम मिले मैंने कहा कुछ डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कोई बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है चलिए करते हैं तो मैं ना ज़्यादा सोचता हूँ ना मैं इतनी दिमाग लगाता हूँ या कैलकुलेशन लगाता हूँ कि यार ये फिल्म आएगी फिर क्या होगा मैं कैसे प्रोजेक्ट हूँ मैं कितना दिखूँगा ये सब कैलकुलेशन मैं कभी नहीं करता हूँ ना मैंने तब की थी जब मैं इंडस्ट्री में आया था और ना अब की जब मुझे 18 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो मैं अब भी वो कैलकुलेशन नहीं करता हूँ मैं अब भी अपने गट से जाता हूँ इंस्टिंग से जाता हूँ कि यार मुझे करना चाहिए और मैं कर लेता हूँ कभी कभी वो सराहे जाते हैं कभी कभी वो एक्चुअली ऐसा बहुत कम है कि सराहे नहीं गए हों चले कम हो लेकिन वो चलाना और जो फिल्म का जो कलेक्शन होता है वो अक्सर प्रोड्यूसर के हाथ में होता है किस तरह से फिल्म रिलीज़ की जाती है कितने पैमाने पे मुझे नहीं याद है कि मेरी कोई भी फ़िल्म को बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ की गई हो और फिर उस फिल्म में ज़ीरो कलेक्शन किया हो आई थिंक कुछ फिल्में बड़े जो क्या कहूँगा मैं जो थोड़ी बड़ी रिलीज़ हुई उन्होंने बड़ी ऑडियंस मिली जैसे शैतान हो टेबल नंबर ट्वेंटी हो आ, uh, आमिर हो uh, फीवर जैसी फिल्म जिससे बहुत बड़ी रिलीज नहीं मिली तो उसे ऑडियंस भी कम मिली तो आई थिंक मैं अपने गट से जाता हूँ कि स्क्रिप्ट uh, अच्छी लगी तो आप कर लो चाहे वो वेब हो चाहे वो टी हो चाहे वो फिल्म हो मेरे लिए वो प्रोजेक्ट होता है मैं कभी नहीं सोचता कि यार मुझे अब फिल्म करूँ कि अब वेब करूँ आई थिंक इट्स अ प्रोजेक्ट दैट मैटर्स टू जीता जी जी इसका नुकसान कोई नहीं होता उसका नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप अपने इंस्टिंग से फैसले लेते हैं तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने फीवर क्यों की थी अरे भैया मैं मुझे लगा था कि फिल्म बहुत अच्छी है लिखी बहुत अच्छी गई थी उसके बाद में फ़िल्म पूरी बना तो आप सकते नहीं हैं आप तो एक्टर हैं तो आप एक फिल्म में काम करते हैं आप एक काम की अगर कोई तारीफ नहीं करे तो आपको लगता है आपको सोच तो आप ज़रूर उस पर सोच विचार कर सकते हैं कि यार मेरे काम की तारीफ़ नहीं की क्या मैं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए कहाँ कमी रह गई वो बात अलग है बट नुकसान नहीं होते मैं जिस तरह से देखता हूं मुझे लगता है कि कौन क्या कहूं मैं कौन नहीं गिरता या कौन आ, असफलता नहीं देखता किसी भी प्रोजेक्ट में या जिंदगी में मैं कहूं चाहे वो रिलेशनशिप हो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट कभी नहीं चलती है हमेशा लाइफ ही वो खूबसूरत होती है जहां पर उतार चढ़ाव चलते रहें जहां पर अगर आप आज आपके पास दस रुपये हैं तो कल आपके पास चार रुपये हों फिर आप वापस बारह रुपये कमाने की कोशिश करें फिर वो वापस आपके नुकसान हो जाए फिर आप पाँच से वापस यही जिंदगी है आप सारे टाइम सौ रुपये लेके बैठे रहें तो आप क्या इन्जॉय करेंगे आप? आपको पता है कि जेब में सौ रुपये यार मैं इंजॉय कर रहा हूँ तो आई थिंक जो ज़िंदगी का रियल फन है वो इसी में है कि आप आज कुछ कर रहे हैं कल आप कुछ कर रहे हैं फिर आप फिर अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं फिर आप कुछ और कर रहे हैं तो आई थिंक uh, नुकसान कोई नहीं जब आप फैसला खुद लेते हैं नुकसान तब होता है जब आप अपनी सोच से नाता छोड़ देते हैं और जब आप बोलते हैं दुनिया तो ये कहती है कि मुझे इस समय ना ये फिल्म करनी चाहिए सब लोग कह रहे हैं कि यार तू तो इतना खूबसूरत दिखता है तेरे को तो रोमांटिक फिल्म करनी चाहिए और फिर आप असफल हो जाए वो आप प्रोजेक्ट आपका तो आप सोचते रहेंगे सारे टाइम काश मैंने नहीं सुनी होती उसकी तो आई थिंक समवेयर अगर आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले सकते हैं इफ़ यू कैन ओन अप टू योर डिसीशंस दैट्स द बेस्ट थिंग इन लाइफ प्रमोशन कितना थकाने वाला होता है कि बात को अनगिनत अनगिनत लोगों से से तरीके प्रमोशन आई थिंक फिजिकली टैक्सिंग होता है बट आई थिंक समवेयर ये आपका काम है ये uh, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जब आप uh, कोई भी प्रोजेक्ट खत्म करते हैं तो आप उसे लोगों तक लेकर जाएं, क्योंकि चेहरा आप हैं भले ही आपने वो बनाया ना हो लेकिन चेहरा आप हैं आप ही को लोग देखेंगे स्क्रीन पे, तो उन तक ले जाने का जो uh, दायित्व है वो भी आप ही का है

तो मैंने कोशिश की कि मैं एक लव स्टोरी वापस करूँ और बहुत खूबसूरत सीरीज है आपको देखने को जल्द मिलेगी शुक्रिया